हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से ऐसे केमिकल सेक्टर से क्या स्टॉक लेके आया है जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 6 मंथ में। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक केमलिन फाइन साइंस लिमिटेड है। दोस्तों, ये स्टॉक में आज के दिन की बात करूँ तो लगभग इसमें अपर सर्किट लगते हुए इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। लगभग 5% के अराउंड में इसमें आज के दिन रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, लगभग यहाँ से अपर सर्किट लगने स्टार्ट हुए इस स्टॉक में और आज लगभग 5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं पिछले 6 मंथ की बात करूँगा इस स्टॉक से रिलेटेड, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 100% से एबव का रिटर्न दिया है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लगभग 172% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जबरदस्त की तरह एकदम घोड़े की रेस में ये स्टॉक दौड़ रहा है, तो प्लीज़ आप इस पर फोकस बना के रखिए। आपको जबरदस्त तरीके से रिटर्न दे सकता है। केमिकल सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है और ये स्मॉल कैप स्टॉक है। दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी बरतिए, लेकिन आपने देख रेख और रिसर्च करने के बाद में इन्वेस्ट कीजिए। इसमें जबरदस्त तरीके का रिटर्न आपको बना के दे सकता है इस स्टॉक ने। तो जैसे कि मैंने आपको 6 मंथ की चार्ट दिखाया, तो अगर मैं यहाँ पे 1 साल की चार्ट देखूँ, तो यहाँ पे 1 साल की चार्ट में हमें लगभग यहाँ पर भी 122% की रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 6 मंथ में 172% से अधिक का रिटर्न देखने को मिला था और 1 साल में लगभग 122% से अधिक का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस स्टॉक का अगर मैं 5 ईयर की चार्ट देखूँ, तो यहाँ पर पिछले 5 ईयर के चार्ट में यहाँ पे हमें लगभग 10% से अधिक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस स्टॉक का मैं सबसे मैक्सिमम डे के चार्ट की बात करूँगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे मैक्सिमम डे के चार्ट में यहाँ पे हमें लगभग 29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो कि यहाँ पे जैन 2015 से इसका मैक्सिमम डे का चार्ट शो हो रहा है। दोस्तों, मैं इसका इम्पोर्टेंस लेवल के बात करूंगा और स्टॉक यहां से कितना दूर भाग सकता है वो भी मैं बात करूंगा वीडियो के अंत में। उससे पहले थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड देखेंगे बातें। तो यहां पे देखिए, कंपनी के पास ऑपरेटिंग इनकम में ज़बरदस्त तरीके से उछाल आया था, जिसके वजह से इस स्टॉक में बहुत ही तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। और भी इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं मनी कंट्रोल की साइड पर, तो यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे देखिए तीनों इंडिकेटर दोस्तों वेरी बुलिश हो रहा है। मूविंग एवरेज एंड टेक्निकल इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज क्रॉस वर्ल्ड, यहाँ से स्टॉक हमें और भी ऊपर की तरह जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रखिए, ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले दिनों में। इसका सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है और यहाँ पे इसका मार्केट कैपेसिटी निकल के आ रहा है लगभग 1433 करोड़ का, जो कि इस स्टॉक का इंडस्ट्री का पी रेशियो 26.90 है, जबकि इस स्टॉक का पी रेशियो लगभग 43 है। दोस्तों, इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन होता है तो इस स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी खरीद सकते हैं। इस स्टॉक का मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर 1 रुपये निकल के आता है। दोस्तों, और भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे इसका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की बात करूँगा, तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त तरीके से जंप किया है। दोस्तों, जून क्वार्टर में 305 करोड़ का दिखाया है। दोस्तों, सेल्स पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जंप किया है। दोस्तों, वहीं इसका नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो सीधे 2 रुपया यानी कि 2 करोड़ से यहाँ पे 20 करोड़ का यानी कि 18 करोड़ का जंप दिखाया है नेट प्रॉफिट में। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तरीके से उछाल हमें देखने को मिल रहा है। वहीं और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा रिजर्व सरप्लस भी देख लेते हैं कंपनी के पास कितना है रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी ने रिजर्व सरप्लस भी ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट किया है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से स्टार्ट देना पसंद करूँगा मैं। यहाँ पर पिछले साल 333 करोड़ का रिजर्व सरप्लस था, जो कि इस साल 387 करोड़ का रिजर्व सरप्लस बनाया है। उससे पहले 2018 में 359 करोड़ का रिजर्व सरप्लस था। वहीं इसका डेब्ट से रिलेटेड बात करूंगा तो कंपनी के पास अदर डेब्ट 286 करोड़ का है, जो कि यहाँ पे करेंट डेब्ट यहाँ पे लाइबिलिटी यहाँ पे 547 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी ने फिक्स एसेट भी ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट किया है। दोस्तों, इनकी इंक्रीज किया है
इस कंपनी के पास ग्रोथ ही ग्रोथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिक्स एसेट किस तरीके से इंक्रीज किया है कंपनी ने पिछले साल के अकॉर्डिंग, लगभग 440 का यहाँ पे फिक्स एसेट क्रिएट किया दोस्तों। और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसमें ना प्रमोटर का होल्डिंग मात्र में इसमें लगभग यहाँ पे बोल सकते हैं कि राउंड फिगर में 23% का राउंड के मान के चल सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड दोस्तों जबरदस्त तरीके से होल्डिंग बनाकर रखा है, आप देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड किस तरीके से होल्डिंग बनाया है यहाँ पे, आप खुद यहाँ पे देख लीजिए हमारी स्क्रीन पे जबरदस्त तरीके से होल्डिंग है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी बहुत सारा ऐसे एनालिसिस होते रहते हैं, बहुत सारा उसमें मतलब कि एनालिसिस करने वाले होते हैं जो कि एनालिसिस करके ही अपना फंड को इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों का अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, जिसके कारण यहाँ पे लगभग 17.5% का हमें यहाँ पे होल्डिंग बनाते हुए देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड का। ये सबसे बड़ी बात है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों, ये स्टॉक और भाग सकता है क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर का इस स्टॉक के ऊपर फोकस है। तो वहीं मैं FII की बात करूँगा तो मात्र 1% से अधिक है थोड़ा सा, वहीं यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.5% से अधिक का होल्डिंग बनाया है जबकि इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल जीरो है दोस्तों। वहीं मैं बात करूँगा यहाँ पे प्लेज है दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर का जो शेयर है ना यहाँ पे लगभग 11% के अराउंड प्लेज है दोस्तों, ये गिरवी है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी मैं NSE की साइड पर देख लूँगा इस चीज़ को कि वहाँ पर कितना शो हो रहा है। तो चलिए हम NSE की साइड पर देखते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पे NSE की साइड पर हम जैसे यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ना 52 एक लो जो बनाया था मार्च में जब देश में लॉकडाउन हुआ था 33 रुपये तक आया था दोस्तों, 33 रुपये से इस स्टॉक में मैं यहाँ पे 120 रुपये तक जंप दिखाया है 1 अक्टूबर को इसी मंथ में, तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। वहीं इस स्टॉक का फेस वैल्यू मात्र 1 रुपया गया है। वहीं मैं बात करूँगा यहाँ पर लगभग यहाँ पर डिलीवरी ज़बरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है दोस्तों, अब लोगों ने इस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा खासा डिलीवरी उठा रहा है। यहाँ पे लगभग 44% से अधिक लोगों ने इस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। प्लीज़ मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इस स्टॉक पर आप लोग फोकस बना के रखिए, ये आपको ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल्स जून क्वार्टर का हो रहा है जो कि 380 करोड़ का है। वहीं थोड़ा सा इस स्टॉक से रिलेटेड मैं प्रमोटर का होल्डिंग में देख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 22% से अधिक यानी 23% के अराउंड में होल्डिंग है। वहीं इसका प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर लगभग जितना यानी कि 11% के राउंड में यहाँ पे भी हमें प्रमोटर का शेयर का प्लेस होते हुए देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ नेगेटिव है, फिर भी उतना कोई खास नहीं है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अधिक नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा कि दोस्तों अगर इस स्टॉक में मौका मिलता है आपको खरीदारी करने का, अगर इस पर आपका फोकस है तो इसका मैं इम्पोर्टेंस लेवल का कुछ बात करूँगा। जैसे कि इस स्टॉक का मैंने पिछले 6 मंथ का मैंने अगर चार्ट देखूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 172% से अधिक का होल्ड इसने रिटर्न दिया है। वहीं इम्पोर्टेंट अगर सपोर्ट की बात करूँ तो इस स्टॉक का लगभग हमें 85 रुपीज़ का मैं काफ़ी नीचे का मैं सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था सपोर्ट लेवल, जो वहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर ये स्टॉक अगर इसको क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर इस स्टॉक में आग लग सकती है और स्टॉक 200 के करीब तक जा सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस स्टॉक पे फोकस बना के रखिए, थोड़ा सावधानी बरतिए क्योंकि ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, इन्वेस्ट भी कीजिए तो इस पर प्लीज़ आप लोग फोकस बना के रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं इस वाला लेवल की बात करूँगा तो ये वाला लेवल निकल के आता है लगभग 142 रुपये के आसपास का, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अगर इस स्टॉक का लगभग दोस्तों 142 का यहाँ पे अगर 142 का ये अगर क्रॉस करता है स्टॉक तो देन 200 के अचीव कर सकता है आने वाले दिनों में मंथ में दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसका इंतज़ार कीजिए, अगर 142 का अगर क्रॉस करता है ना तो देन फिर आग लग सकती है इस स्टॉक में।
स्टॉक स्मॉल कैप से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिक्स है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस पर फोकस बना कर रखिए, हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ऐसा ही स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।